एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग. आई विश फॉर ए गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. सो आज है मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे. मैं हॉस्टल में कल ही शिफ्ट हुई और सब कुछ यहाँ सेट किया, अपना पूरा सामान सेट किया. अभी मेरी रूममेट नहीं आई हुई है, मैं अकेली हूँ इस रूम में. और बाकी मतलब बगल में सब आ गए हैं, लेकिन रूम में मैं अकेली हूँ अभी और कोई है नहीं. मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, देखूँगी अगर सही से बनेगा तो. क्योंकि आप पहला दिन है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है. अजीब सा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा ऐसा डर सा लग रहा है. मुझे पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है. मुझे डर लगना चाहिए ऐसे जितना मुझे डर लग रहा है. मुझे पता नहीं मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है. पहला दिन है, कुछ नहीं पता, शायद तब लग रहा होगा डर. और पता नहीं व्लॉग में बना दी, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है ये व्लॉग. इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर भी पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता. आई थिंक मैं ऐसे ऐसे क्लिप्स ले लूँगी और बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी उसके ऊपर, क्योंकि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जगह पे ज़्यादा. तो मिलते हैं आपको व्लॉग में आगे. अभी नीचे सबको नाश्ते के लिए एक साथ बुलाया हुआ है, मतलब रात को भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि एक ही साथ बुलाया था और फिर हॉस्टल में इसमें लेके गए थे. शायद अभी भी ऐसा ही होगा. इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए हॉस्टल मेस में चली गई थी और मैं उसे शूट नहीं कर पाई. आई एम सो सॉरी. बट इसके बाद हम फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए थे. सारे के सारे बच्चे एक साथ आ गए थे, सबको साथ ही जाना था. हॉस्टल से कैंपस तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ 5 से 10 मिनट लगते हैं अगर हम थोड़ा धीरे धीरे चलें तो. कैंपस बहुत प्यारा है. इन फ्यूचर मैं पक्का कोशिश करूँगी आप सबको इसको दिखाने की. और वेदर देखिए, फर्स्ट डे हमारे वेदर कितना प्यारा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी. और ये है हमारा लेक्चर थिएटर जहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला था और हम यहाँ एंटर कर रहे हैं. और ये है हमारा लेक्चर रूम जहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला था. सभी से मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा. मैं एवे ही इतना परेशान हो रही थी, नर्वस हो रही थी कि क्या होगा कैसे होगा. Waited for this moment and gave it all you could to be sitting here. This is the first checkpoint of your journey. Now you are about to begin an incredible journey that will change not only your life but the life of others also. So I am here to start with the introduction of the foundation course. हमसे मुसाफिर यूं तो कई दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई. ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा. काफिराना सा है इश्क है या क्या है. काफिराना सा है इश्क है या क्या है. शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवान चतुर्राम काजकरी देखो आतुर प्रभु चरित सिंह देखो रसिया राम वसन सीतावन वसिया. हमारी एनाटॉमी की प्रोफेसर जो हैं उन्होंने हनुमान चालीसा ख़त्म होने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि जिस तरीके से तुम अभी हनुमान चालीसा इतनी फटाफट बोल रहे हो और तुम्हें रटी हुई है, इसी तरह मैं तुम्हें एनाटॉमी भी रटवा दूंगी और एक साल बाद तुम इसी तरह एनाटॉमी को भी इसी तरह हमें बोल के सुनाओगे. तो हम बहुत हंसे थे उसके बाद और मुझे लगा कि आपको ये इंसिडेंट्स बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग था. और पहले बोलना कि अभी वो सारे सबसे पहले तुम्हारी सनातन रक्षक का हो पड़ना आप अपने समारोह आप इन लोग खाते का पे भूत पिशाच निकटने आवे महावीर जी नाम सुना. और फिर 12 बजे हम खाना खाने के लिए हॉस्टल आए और फर्स्ट डे हमें नाग देवता ने भी अपने दर्शन दिए. उन्होंने भी अपने तरीके से हमारा वेलकम किया.
जोक्स अपार्ट, कॉलेज जाते हुए रास्ते में ये दिखा था, आई थिंक गार्ड अंकल ने इसको पकड़ लिया था। अभी ठंड के दिन है तो सांप बाहर निकल के धूप सेकते हैं ऐसा बोलते हैं, तो शायद इसीलिए फिर सब नॉर्मल हो गया था और हम फिर से अपने कॉलेज के लिए चले गए। उसके बाद 3 लेक्चर्स लगाने के बाद कॉलेज में हम वापस अपने गर्ल्स हॉस्टल आ गए और बहुत प्यारा वेदर था उस दिन। आई डोंट नो, मुझे ही लग रहा प्यारा या आपको भी लग रहा, आप देख सकते हो मैंने वीडियो बनाई हुई है थोड़ी बहुत। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत पीसफुल था सब कुछ। देन शाम के 4 बजे हम नाश्ते के लिए हॉस्टल मेस में गए और हमने नाश्ता किया। सो मैं आ चुकी हूँ अब अपने कॉलेज से वापस अपने रूम में, हॉस्टल रूम में। ओरिएंटेशन हुई आज क्लासेस, मतलब ऐसे पढ़ाई ऐसा सच कुछ नहीं हुई, ओरिएंटेशन था बस, ऐसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह दिया बच्चों ने भी और टीचर्स ने भी, और बाकी सब यही बताया कि डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मतलब डॉक्टर और पेशेंट के क्या रिलेशनशिप होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, ऐसा सब कुछ बताया बस। हाँ, एक इंट्रैक्शन हो गया बच्चों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। मैं ऐसा अच्छा सा कोई ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि आज पहला दिन था और ना मैं कंफर्टेबल हूँ अभी ब्लॉगिंग करने में कि कर पाऊँ अच्छे से। आई नो, बहुत ही अजीब सी वीडियो बनी हुई होगी।